आए मोदी जी सामने, बहुत विद्वान है, टेली प्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, राम मंदिर बनाए, सब कुछ बनाए, उसमें गरीबों का क्या फायदा? वो मंदिर नहीं है, वो बिजनेस है। वो मंदिर नहीं, वो बिजनेस है। गरीब को जैसे लुटाएंगे ना, गरीब जाएंगे। किसने दिया उतना? हम 2 घंटा किए तब हम उसको हमको मिला है। उसे क्यों नहीं दिया आपको? क्या किया? रैली में गए थे। हाँ, तो हर दिल में मोदी लिख रखा है आपने। इसको हम वोट नहीं देंगे। यहाँ पर भोपाल वाला मामला देख लीजिए आप, सूरत वाला मामला देख लीजिए। ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए वो कितनी भर्ती निकले हैं। जब आते हैं तब 250-300-400 करोड़ का देके यहाँ पर तोहफा जाते हैं। आप न्यूज पेपर में सब लोग पढ़ते होंगे, वो 250-300-400 करोड़ कहाँ जाते हैं कोई बताएगा? वो तो कैमरा के सामने आ गया था, पकड़ा गया। इसी तरह इन लोग गुंडागर्दी से, तानाशाही से जीतने का कार्य करते हैं। को कहने का उनके बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो तो कभी कहते हैं मैं तेली का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मैं पठान का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, कभी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। डर गए ना, वो सोचे कि साहब रंगीला आके मेरी भाषा में सब पोले चट्टी खोल देगा। चुनाव आते आते रोने धोने का नाटक, माँ गंगा ने बुलाया है, फलनवा ने बुलाया है, एवाली माँ गंगा ने बुलाया, वही में डूबो के 1.5 लाख वोटर से हराने में जाती। पिछले बार भी देखिए, तेज बहादुर हमारे देश का जो सैनिक था, जो जवान था, उनका पर्चा खारिज किया गया। मोदी जी आए, मोदी जी वही बगल में डॉक्टर साहब बैठे थे, नहीं पूछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हूँ, और बनारस में 1 जून को मतदान होना है, 4 जून को रिजल्ट आएगा। इस बीच हम यहाँ पर जो भी लोग हैं, रविदास मंदिर है पास में, यहाँ पर आसपास जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के? पहले आप किस रूप में इस बार का लोकसभा चुनाव देख रहे हैं? देखिए, इस बार जो है कि लोकसभा जो चुनाव है, यह इस बार सीधे सीधे मोदी बनाम जनता का चुनाव बन गया है। इस बार जनता अपने आप को 10 सालों से इतना ठगा महुआ महसूस कर रही है। जहाँ पे आप खड़े हैं, यह वीरों का धरती श्री गोवर्धनपुर गांव है। ये पहला वो गांव है पूरे हिंदुस्तान का जहाँ पे प्रत्येक वर्ष रविदास जयंती के दिन देश के प्रधानमंत्री से लेके कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं दर्शन पूजन करने। दर्शन पूजन करने क्या खाली वो आते हैं दलित वोट बैंक का राजनीति करने। यहाँ पर आज तक न जो है कि पानी का सुविधा मिल पाया, न तो रोड गलियों का। इसी तरह पूरा बनारस का हाल है। पूरा बनारस में आप जहाँ चौका चौको जहाँ आपको जगमग दिखेगा, वहाँ सिर्फ वही दिखेगा, बाबतपुर एयरपोर्ट से लेके विश्वनाथ मंदिर तक। अब उस मेन रोड को छोड़ के जरा सा भी हटेंगे आप, कोई विकास का मतलब ही नहीं है। आप सबसे सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि आज आखिर ऐसा क्या वजह है कि आज 10 साल हो गया 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी जी से लेकर और बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को, उनको हैसियत नहीं है कि विकास के नाम पे चुनाव लड़के दिखा दे, उनको हैसियत नहीं है कि शिक्षा के नाम पे चुनाव लड़के दिखा दे, उनको हैसियत नहीं है कि रोजगार के बारे में चुनाव लड़ें। वो देखिए, चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ही बारे में वो लड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि उनके पास 10 सालों में कोई विकास का कार्य किए ही नहीं। उत्तर प्रदेश के नौजवान बेहाल हैं। पेपर 2017 से लेकर यहाँ तक कि हर एक पेपर लीक, और जो कोविड शील्ड को टीका उससे मनाया जा रहा था वो भी देख लीजिए, धड़ाम से फ्लॉप हो गया। आज हमारे नौजवान कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए जो है कि आज जो है कि एकदम स्थिति जो है कि दुर्भाग्यपूर्ण बना हुआ है। यहाँ की जनता मन बना ली है, इस बार बनारस से की जनता इतिहास लिखने जा रही है। नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से हारने जा रहे हैं बनारस, अपना सुनिश्चित हारने जा रहे हैं। अब बनारस की बात कर रहे हैं, हारने जा रहे हैं, लेकिन बनारस ने को तो पिछली बार कहा था गंगा मैया ने बुलाया, इस बार गंगा मैया ने गोद ले लिया है। जी जी, हम आपको बता रहे हैं गंगा मैया किसको गोद लेती है, मगरमच्छ जो होता है उसी को गंगा मैया मगरमच्छों को गोद लेती है, गंगा मैया घड़ियालों को गोद लेती है। मोदी जी के बाद कोई वैल्यू नहीं है। यह 2014 में आए थे तो बोले थे मैं तेली का बेटा हूँ, कभी बोलेंगे मैं पठान का बेटा हूँ, कभी बोलेंगे मैं चौकीदार हूँ, कभी बोलेंगे अनाप शनाप। ये सब हर साल जनता को मेन विकास के मुद्दे से हटाने के लिए, रोजगार के मुद्दे से भ्रमित करने के लिए, और नौजवानों को नौकरी के मुद्दे से भ्रमित करने के लिए अपना जो वादा करके सत्ता पाए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देना, इन सब मुद्दों से हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए वो हर साल, कभी उनको कोई बुलाता नहीं है। हर साल जो है कि चुनाव आते आते रोने धोने का नाटक, माँ गंगा ने बुलाया है, फलनवा ने बुलाया है, एवाली माँ गंगा ने बुलाया, वही में डूबो के
डेढ़ लाख वोटर से हराने में जाती माँ गंगा। ये बनारस की जनता इस बार माँ गंगा के जो हराने जा रही है उनको। नामांकन जो है 41 लोगों ने दाखिल किया था, लेकिन जो है पर्चा खारिज हो गया, 8 लोग बचे हैं मात्र। क्या कारण लगता है? कारण देखिए यही लगता है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का बस चले तो वह जो है कि किसी को लड़ने ही न दें, लेकिन उनको डर है कि कोई अगर सब खारिज हो जाएगा तो हमको हमसे ज़्यादा नोटा वाला बटन पा जाएगा। इसलिए जो है कि सिर्फ 8 लोग का, पिछले बार भी देखिए तेज बहादुर हमारे देश का जो सैनिक था, जो जवान था, उनका पर्चा खारिज किया गया, एक सेना के से डर गए थे। उनका यही काम है पर्चा खारिज करना, लोकतंत्र है कहा। आप देखिए सूरत में क्या हुआ, आप देखिए गुजरात में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आप देखिए जो है कि हर एक जगह जो है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इन लोग का जो है कि स्थिति एकदम से खराब है। लोकतंत्र ये जो है कि जनता जान रही है, इनके विधायक लोकसभा के प्रत्याशी मोदी जी के खुलेआम मंचों पे नारा दे रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि इस बार हम 400 पार जाएंगे तो इस बार हम संविधान बदलने का कार्य करेंगे, इस बार हम 400 जाएंगे तो हम फलां फलां क्या, इसलिए हम अपने पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को हम बतलाना चाहते हैं कि यह लोकतंत्र बचाने की चुनाव है। इस बार जो है कि हमें बाबा साहब का संविधान बचाने की चुनाव है, इसलिए जनता बनाम मोदी का यह चुनाव हो गया है और बनारस की जनता इस बार इतिहास लिखने जाएगी। नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से बनारस हार। रंगीला से क्या इतना जो है डर गए ना, वो सोचे कि साहब रंगीला आके मेरी भाषा में सब पोले चट्टी खोल देगा। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उनके सामने कोई भी नहीं, आप देखिए ना जो लड़ेगा उनके घर ईडी सीबीआई देखकर, केजरीवाल देखिए गए ना जेल, काहे जेल चले गए। हिंदुस्तान का पहला जो है कि मुख्यमंत्री जो इतना अच्छा सुविधा दिया, 300 यूनिट लेके बच्चों को रोजगार दिया, सरकारी स्कूल इतना स्टैंडर्ड बनवाए, चुनाव के समय उन्हें केजरीवाल से डर था, केजरीवाल को जेल भेज दिए। और वही अजीत पवार से लेके तमाम जो भ्रष्टाचारी नेता है और जो बलात्कारी है, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही जो है कि उनका कितना 100 करोड़ का जो है कि 2500 करोड़ कितना करोड़ का वो अजीत पवार का घोटाला सब जो है कि मिल जाता है, सब साफ हो जाता है। और जो इनके खिलाफ बोलेगा वो जेल चला जाता है। मोदी जी के जाने के बाद क्या कुछ सुधार आया है यहाँ पे? अभी गए, हाल ही में आए थे नामांकन दाखिल करने, तो आए थे तो क्या हुआ, आए थे नामांकन दाखिल करने तो कई 100 करोड़ रुपया जो है कि खर्चा हो गया, तो तब चमकाने धमकाने में पूरा गमला का फूल लगाया, सब लगाया, कितना दुर्भाग्य की बात है। जहां मोदी जी मालवीय जी को माला पहना के अपने रैली का शुभारंभ किए थे, वही के चंद कदम दूरी पे मालवीय जी के बगिया में डॉक्टर ओम शंकर जी जो है कि मरीजों को बेड बढ़ाने के लिए, मरीजों को सुविधा के लिए आमरण अनशन पे, आज 6वां दिन है, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक, कोई भी पदाधिकारियों ने सुन तक नहीं लिया। और मोदी जी आए, मोदी जी वही बगल में डॉक्टर साहब बैठे थे, नहीं पूछे। यहाँ के मोदी जी के 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए थे, अमित शाह आए थे, कौन कौन आया था, किसी ने जो हम लोगों के सुख सुविधाओं का, आम जनमानस के जो हित में कार्य होता है, हॉस्पिटल के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसका कोई पूछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी आए, कई 100 करोड़ रुपये पानी की तरफ बहा कर माल्यार्पण करके अपने ऊपर फूल बरसवा कर कई कई राज्यों से बसे लगा होंगे, तभी तो जो है क्या किए थे, जीत रहे हैं यहाँ पे। वो जनता को, हमारे हिंदुस्तान के और बनारस की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य किया। हमारे देश की जनता जो है कि बहुत ही भोली भाली जनता है, हमारी जनता जो है कि मोदी जी के बहकावे में आ गई थी। इस बार हमारे देश का नौजवान, इस बार हमारे देश के की माता बहनें सब जान चुकी हैं। आज हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, कभी मालवीय जी के बगिया में जो है कि हमारी छात्राओं बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो है कि पदाधिकारी गैंगरेप कर देते हैं, कभी उनका विधायक जो है कि अभी देखिए दुद्दी का सोनभद्र वाला जो विधायक सस्पेंड हुआ था वो गैंगरेपी, ये कैबिनेट इनका जो है कि विधायक विधानसभा सब बलात्कारियों, गुंडों, गैंगरेप वालों से ही भरा पड़ा है। यहाँ पे न कानून व्यवस्था एकदम उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुका है, न कुछ भी नहीं है उनके पास, ना तो कार है, ना बंगला है, ना ही कुछ है, और वो तो कह रहे हैं कि देश सेवा ही कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। अरे देखिए उनके बातों का कोई वैल्यू नहीं है। वो कभी कहते हैं कि मुसलमानों को ये करने नहीं दूंगा, उनको ये अधिकार नहीं दूंगा, वो अधिकार नहीं दूंगा। कल आए थे नामांकन करने, उसके बाद क्या बोले, मुसलमान मेरे पड़ोसी मुसलमान रहते हैं, मेरे घर से ईद पे खाना नहीं बनता है, मैं समय ही खाता हूँ। यह प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोगों को, भारतवासियों को समझ क्या रखा है तो कि जब हिंदू मुसलमान मैं नहीं करता हूँ,
हिंदू मुसलमान, हाँ वो हिंदू मुसलमान, उनको कहने का उनके बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो तो कभी कहते हैं मैं तेली का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मैं पठान का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, कभी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। तो उनका क्या पता, यही चीज जो है कि हमारे देश की जनता जान चुकी है कि आज हमारा देश का नौजवान पढ़ाई लिखा के सर्वा हाई स्कूल इंटर का पेपर लिख हो जा रहा है, पुलिस का पेपर देखिए नौजवान तैयारी करते हैं पेपर लिख हो जाए सुसाइड कर ले रहे हैं। आज देखिए क्या स्थिति है, आज स्थिति क्या है, आज देश की जनता महंगाई के तले दबी हुई है, न खा सकती है न सिलेंडर। वो इंडिया गठबंधन का क्या लग रहा है कुछ? इंडिया गठबंधन जो है कि पूर्ण बहुमत से जो है कि सरकार बदलने जा रही है। इंडिया गठबंधन पार नहीं आएगी बीजेपी, बीजेपी 150 आ जाए वही भाग्य है, 150 आ जाए बीजेपी का तो वही भाग्य है। इस बार जो है कि इनका जुमलेबाजी चलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए चंडीगढ़ में क्या हुआ था, मेयर के चुनाव में चंडीगढ़, जो बहुत ही शर्मनाक की बात है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के, जैसे वो तो कैमरा के सामने आ गया था पकड़ा गया, इसी तरह इन लोग गुंडागर्दी से तानाशाही से जीतने का कार्य करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा, इसलिए जो है कि ये चुनाव जो है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो या चुनाव कैमरा के निगरानी में हो, भारतीय जनता पार्टी 150 के अंदर सिमटने जा रही है। और लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं? चुनाव इस बार का एक तरफ ही है सिर्फ और इंडिया गठबंधन में, और ये बीजेपी भी स्वीकार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों और वक्तव्यों, जिस तरह से उनके बोल बिगड़ रहे हैं, जिस तरह से वो घबरा के अंडमंड बयान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो बयान दे रहे कुछ भी। जैसे अभी आए बनास में बोले कि हम मुस्लिमों के साथ भाईचारा करते हैं, जब हम उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम यदि मुस्लिम हिंदू करेंगे तो हम समाज में रहने लायक नहीं है। आज फिर उन्होंने भाषण दिया कि ये कांग्रेस जो है मुस्लिमों को दे देगी, और वो तो छोड़िए मोदी जी खुद ही कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो ज्यादा जो बच्चे वाले हैं उनको पूरी कांग्रेस दे देगी। उन्होंने मुस्लिम 100 लाख करोड़ की छोड़िए वो यहाँ पर आप डेवलपमेंट की बात, आप जहाँ खड़े हैं इन 100 लाख करोड़ में से 100 रुपया दिखाइए, इधर अगल बगल दिखा दीजिए आप, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है समय के साथ होता रहा है। इन्होंने जितना पैसा खर्च किया बनारस में, ये बनारस के डेवलपमेंट का उसका 10% भी नहीं हुआ, और वो पैसा यदि खर्च सही तरीके से किया गया होता, अभी 80 पर चले जाइए, 80 नदी जो है उसके फिल्ट्रेशन का 450 करोड़, पहली बार पीएम बने थे तब की मशीनें रखी हैं, वो 450 करोड़ की चीज़ें प्रोजेक्ट अभी भी वैसा है, वो कहाँ गया 450 करोड़? और जब आते हैं तब 250-300-400 करोड़ का देख के यहाँ पर सोफा जाते हैं। आप न्यूज़पेपर में सब लोग पढ़ते होंगे, वो 250-300-400 करोड़ कहाँ जाते हैं कोई बताएगा? इनके 2-3 काम जैसे पूछेंगे क्या काम है तो कहेंगे रिंग रोड बना है, स्टेडियम बन रहा है, सब पीपीपी मॉडल पे बना है। जो 400 करोड़ का सौगात देते हैं, जो सरकार की योजनाओं का पैसा देते हैं, वो पैसा का क्या हुआ कोई बताएगा? जितने भी आप काम गिना देते हैं लोग, वो सब पीपीपी मॉडल पे हुआ है, तो सरकार के पैसे का क्या हुआ? तमाम काम लेकिन देश में किए हैं ना, मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए, आप कह रहे हैं 100 दिन में अगले और कड़े से कड़े फैसला देंगे अगर दे दिए। बहुत बहुत कड़ा मंदिर बना दिए, ये मंदिर, पहले बात मंदिर की क्या जरूरत है बताइए आप? एक सरकार को सुनिए, एक सरकार गरीब का क्यों नहीं काम नहीं मिल रहा है? गरीब खेले बिले मर रहा है, क्यों मर रहा है गरीब? कहाँ मर रहा है? कह रहा मर रहा है सबकी, मोदी के राज में गरीब मर जाएंगे, क्यों मर रहा है? क्या करते हैं आप? हम ईटा पत्थर ढोता है। मोदी जी आए थे, बात नहीं पूछ पाई क्या? मोदी आपको खाना दे रहा है क्या? खाना दे रहा है, टी-शर्ट पहना पहना के खाली प्रचार क्यों? प्रचार कर रहा है लालच करके। ये देखिए ये क्या, ये तो हर दिल में मोदी लिख रखा है आपने, इसको हम वोट नहीं देंगे, हर दिल में हाथ के पंजा बनाएंगे। तो ये क्यों टी-शर्ट पहन रखा है? गरीब को जैसे लुटाएंगे ना गरीब जाएंगे। आपको ये दान में मिला है, क्या मिला है? टी-शर्ट किसने दिया? उतना हम 2 घंटा किए तब हम उसको हमको मिला है, उसे क्यों नहीं दिया आपको? क्या किया आपने? आ? क्या किया? रैली में गए थे। रैली में गए थे हाँ, रैली में पैसा मिला था आपको? नहीं, हमको मिला है पैसा।
ऐसा नहीं मिला? नहीं। तब क्यों गए थे? आए चले गए घूमने फिरने। बढ़िया लगते हैं क्या मोदी जी आपको? हमको नहीं दिख रहा है बढ़िया। दो चार चीज बता दे रहा हूँ अभी। हाँ। आप देखेंगे बीएसपी के जो उत्तराधिकारी बनाए गए मायावती जी के द्वारा, उन्होंने बयान दिया तो पूरी बीजेपी को, बीएसपी को बीजेपी ने हाईजेक कर लिया। अब उसके बाद फिर से उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया, सारे पदों से हटा दिया गया। अभी जौनपुर का देखिए, धनंजय सिंह जब वो बीएसपी से चुनाव लड़ने आए, उनको देखिए किस प्रकार से हैंडल किया गया, और बीएसपी का पर्चा खारिज करके बीजेपी में वो ज्वाइन कर दिए हैं। और मैं ताजा, योगी जी जो नौकरियों का दम भरते हैं मैं बता दे रहा हूँ, मैं दो नौकरियाँ ऑलरेडी करके रखा हूँ, तीसरी नौकरी इन्होंने कहा था कि हम 23 तारीख को ज्वाइन कर देंगे। यही रविदास पार्क जब उद्घाटन था तो मोदी जी, बताइए मुझे 10 साल में कौन सी भर्ती निकली है? मैं बता दूं जो निकली उसकी बता दे रहा हूँ, निकली नहीं है जो 10 साल में मोदी जी बोले थे कि मैं सबको सर्व सम्मान तरीके से सबको नौकरी दूंगा। किस तरीके से नौकरी दी है अब? अभी तक 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला आपको? क्या मिला? आज भी हम गाड़ी पैदल चल रहे, आज भी चले। तो मोदी जी के लिए इतना तपस्या तो करना पड़ेगा मोदी जी के लिए? ये मुझे बताइए, आप एक बात बताइए कि मोदी जी ने चुनाव, ये तीसरी बार लड़ रहे हैं वाराणसी से, ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए वो कितनी भर्ती निकाले हैं आप बताइए ना? 4 साल का निकाले थे, नहीं निकल रही है। हाँ? निकाल तो दिए, निकाले हैं वो भी लीक हो गया। उतने कितने बच्चे पैसे जमा किए हैं? कितने पैसे जमा हुआ है? कितने बच्चे फार्म भरे थे आप बताइए मुझे? आप बताइए ना, क्यों जिता रहे हैं आप लोग बनारस से? कौन जिता रहा है? ये गलती से जीत गए। ये मुझे बताइए कितने लोग ने बेचारे मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, सुबह 5 बजे भोर से लेके 7 बजे तक दौड़ते हैं, कितनी भर्ती निकाले आज तक? और फिर निकाले भी तो 400 के कौन भर्ती करता है? कह रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है ना? कौन बनाया? मोदी जी ने। किस लिए बनाया? अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए बनाया? हमारे फायदे के लिए? उनका क्या? गरीबों के लिए क्या फायदा है? हिंदुओं के लिए बनाया? एक मिनट, गरीबों के लिए क्या फायदा है मुझे बताइए? अरे हिंदुओं के लिए, मैं पूछ रहा हूँ गरीबों के लिए क्या फायदा उसमें बताइए आप? मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, राम मंदिर बनाए, सब कुछ बनाए, उसमें गरीबों का क्या फायदा? वो मंदिर नहीं है, वो बिजनेस है। वो मंदिर नहीं है, वो बिजनेस है। उसमें आप जा करके रिपोर्टिंग करिएगा मेरे कहने पे कि वहाँ पर रूम कितने का मिलता है, वहाँ पर रुद्राभिषेक कितने रुपए का होता है, वहाँ पर लागत दूध का कीमत कितना है जो रुद्राभिषेक में चढ़ता है, तब आपको जमीनी हकीकत मालूम चल जाएगा। राम मंदिर पैसा लिया जाता है? बिल्कुल, आप जाकर रिपोर्टिंग ग्राउंड स्तर पे आप देखेंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा क्या स्तर है। आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाया है मोदी जी, मोदी जी स्वीकार कर लें कि वो मंदिर बनाया है राम मंदिर? हम आए डिबेट इससे पहले, राहुल गांधी ने, मुलायम सिंह यादव ने, इससे पहले राहुल गांधी ने जब चैलेंज किया, आए मोदी जी सामने, बहुत विद्वान है, टेली प्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उन्होंने डिबेट को चैलेंज किया। क्या लगता है इसलिए नहीं एक्सेप्ट किए? कह रहे हैं कि मोदी जी से बराबरी के हैं ही राहुल गांधी? नहीं, मोदी जी टेली प्रॉम्प्टर प्रधानमंत्री है और राहुल गांधी के सामने बिना, और राहुल गांधी ने बिना टेली प्रॉम्प्टर का डिबेट का चैलेंज किए हैं, तो राहुल गांधी जी के सामने उनको एक टेली प्रॉम्प्टर बैसाखी की जरूरत है, विकलांग प्रधानमंत्री है। चुनाव आयोग पे क्या लगता है कि श्याम रंगीला का जो चुनाव अभी नामांकन खारिज कर दिया गया? खारिज अभी नहीं किए हैं शायद, हमारे ख्याल से खारिज हो गया। अच्छा, खारिज किए हैं तो वो एक, अब उनका यहाँ पर भोपाल वाला मामला देख लीजिए आप, सूरत वाला मामला देख लीजिए, और जितने भी यहाँ पर बीजेपी के सांसद लड़ रहे हैं, जितने भी सीट पर लड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे तो कहेंगे हम नहीं लड़ रहे हैं, ये मोदी जी लड़ रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़े ही ना, वही लड़े। चाइना में जैसे एक पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी है, और वो एक ही पार्टी का राष्ट्रपति होता है, एक ही पार्टी का प्रधानमंत्री होता है, एक ही पार्टी का कैंडिडेट होता है, ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं, और भारत में सभी पार्टियों को समाप्त करके एक पार्टी का लेके आना चाह रहे हैं, इसी फंडे पर ये चलना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपसे जान लेते हैं क्या कहें बाबा, किसको वोट देंगे इस बार?
पता नहीं साहब कैसे देंगे। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी हम लोग नहीं बचा पाएंगे। वोट है आपका यहाँ पे? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? भैया हमारा आधार कार्ड बना था, हम वोट देते। हम तो मोदी जी के क्या काम किया है मोदी जी ने? अरे भैया हमके तो जिया खिया दिलन, हमके तो जिया खिया दिलन। क्या खिया दिया हमारे घर? एक भाजपा वाले इनको पिला खिला दिए। ड्रिंक किया हुआ आई का? हम आदमी ना आई का। ये मुझे बताइए, जो भी निर्माण कार्य होता है वो सरकार के ही जरिए से होता है। अगर सरकार बनती किससे? सरकार बनती किससे? जनता से। तो जनता का सम्मान करना सरकार की इज्जत है। ये बताइए मुझे कि आप लोग कहते हैं कि मोदी सरकार है, ठीक है मोदी सरकार है, ये बताइए कोई डेवलपमेंट में कोई 19-20 बार आप कहते हैं गरीबी हटा देंगे, यहाँ गरीबी को क्या हटाए हैं? गरीबी में क्या हटाए हैं? आज भी बेचारे ईटा ही पत्थर कर रहे हैं, दो बार की रोटी उनको नहीं मिल पा रही है समय से, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। क्या आप गरीबी हटा रहे हैं? आप कहते हैं गरीबी हटा, ऐसा बोलिए ना कि मैं गरीबों को हटा दूंगा, खुद गरीबी हट जाएगी। नहीं एक बात है कि मोदी जी ने बहुत विकास किया हुआ है, मैं उनके विकास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं जो भी हूँ मोदी जी के वजह से हूँ, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ किया हुआ है और मेरा दुकान है वो मोदी जी की वजह से है। 15 लाख रुपए दिए थे, उसमें से हमने 5 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया और 10 लाख रुपए बचा हुआ है, उसी में से मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ। ये जो भी कुछ है मैं अपने मोदी जी की वजह से हूँ, बहुत सौभाग्य उनका। चलिए मोदी जी इतना इन्होंने किया है, कहे के हम राम मंदिर सभी जगह चुनाव प्रचार में कहे के राम मंदिर के दर्शन कराएंगे, जितना उन्होंने राम मंदिर दर्शन कराने के पैसा खर्च किया उतना शिक्षा में खर्च किए होते उतना, तो वो समझ लीजिए कि आज बहुत सारे काम हो गए होते और बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिल। तो आपने देखा यहाँ पर तमाम लोग थे जो जिनसे हम जान रहे थे कि क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि मतदान को अभी समय है, 7वें चरण में, अंतिम चरण में मतदान होगा, देखने वाली बात होगी कौन क्या कुछ यहाँ पर कितना हासिल कर पाएगा कामयाबी। फिलहाल यहाँ से मोदी जी सांसद होते हैं या नहीं, या अगले प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।